हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ 2 चम्मच घी से और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। वीडियो शुरू करने से पहले आई होप सो कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ गाजर ले लिया है और मैंने मोटे मोटे गाजर लिया है और अब हम इसे सबसे पहले छीलकर अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से छील लिया है और साफ़ पानी से धोकर रेडी भी कर लिया है। तो अब हम इसे ग्रेट करेंगे। तो हम इसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट नहीं करेंगे, हम इसकी जगह बारीक वाला ग्रेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैंने गाजर को ग्रेट करके रेडी कर लिया है। तो ये सारे गाजर अच्छी तरह से ग्रेट हो गए हैं। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर। तो गैस ऑन करके मैंने एक पैन ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच के करीब घी। घी को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ग्रेट किया हुआ गाजर और इसे एक बार अच्छी तरह से हम चला लेंगे। गाजर और घी को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही भूनकर रेडी करेंगे। 3 से 4 मिनट के भूनने के बाद हम इसे ढककर मीडियम आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो गाजर में जो भी पानी छूटना था वो अच्छी तरह से सूख चुका है और अब हमारा गाजर गलकर इतना ही हलवा बनकर रेडी होगा। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की ओर। अब टाइम है गाजर में दूध डालने का। तो मैंने दूध पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था और ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने यहाँ 2 केजी गाजर के लिए 1.5 केजी के करीब दूध लिया था और उसे 1/2 केजी मैंने इसे रिड्यूस कर दिया है। तो अब हम वो दूध इस मलाई के साथ हम गाजर के हलवे में डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे अब हम खुला ही पकाएंगे। लगते हैं कि थोड़ी देर के बाद दूध और गाजर अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है। तो अब हम डाल देंगे यहाँ चीनी। तो चीनी आप मिठास के अनुसार, अपने मिठास के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी के करीब चीनी लिया है और चीनी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब तक चीनी गाजर के साथ अच्छी तरह से मेल्ट होता है हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ और उसे फ्राई करके इसमें ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा और अच्छा आता है। तो आप अपने पसंद से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप उसे डालें फ्राई करके। आप बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अभी हम 10 मिनट के लिए और अच्छी तरह से सुखाएँगे हलवे को, ताकि इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाए। और 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम फ्लेवर के लिए यहाँ ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इलायची पाउडर डालने के बाद हम इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और हमारा गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिना कलर के ही गाजर का हलवा कितना अच्छा कलर आया है इसका। देखने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लग रहा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट बना है ये, यकीन मानिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और कमेंट्स करके बताइए क्या कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।